अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। कैसे हो बेटे? होंगे खुश, होंगे अच्छे मूड में भी होंगे। मैं ब्रदर्स फिदरत। अपना लाइन बोला करो, आप अपने लाइन क्यों बोलते हो? अच्छा वगैरह भी आप बोलते हो, आप चुप हो गए ना? चुप क्यों? मैं क्यों बोलूं? आपका लाइन ही है तो आपने बोलना है। बस नाम बताओ, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करो। अच्छा मैं हूं सहेल अफगान, आज वीडियो है। अच्छा ये बाजीराव मस्तानी का है ना? अच्छा बाजीराव मस्तानी का सीन है जिसमें 20,000 निजाम कौन है? निजाम, इन्होंने निजाम लिखा हुआ है, असल में वो निजाम है। अच्छा 10,000 मराठा सोल्जर्स, बाजीराव मस्तानी सीन HD टॉप मूवी सीन, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। शेयरेंगे वीडियो को, जरा से हमारे चैनल पर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। जरूर कीजिएगा, मैं सोशल सर्च फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो सर Instagram, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर। लेट्स स्टार्ट। देख लीजिए श्रीमंत, दक्षिण का सांप कैसे। अच्छा तो रणवीर है मराठा का? क्या हो गया? खबर मिली है कि निजाम के साथ 20,000 सैनिक है और हमारे पास क्या हो गया? आप और हम जानते हैं, निजाम कहाँ जानता है। ओ निश्चिंत रहिए पंत, हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होगा, तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। सोच। ये तो बिल्कुल सही कहा। कितने जा रहे हैं ना? अच्छा ये उनसे मिलने आ रहा है, निजाम के साथ मिलने आ रहा है। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत को शर्माइए। शुक्रिया, हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है। बाजी ही बाजी, सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है। वाह, बाकी तो बिना गुठली के आम है। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है, फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। ओहो, बैठ कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है। 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं जो हमारे एक इशारे पर सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? अब देख पूरा हिंदुस्तान। ओहो, फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे। हो गए। इधर मार देता है कि नहीं? ये सीन इधर उसको मार देता है या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से मार देता है। निजाम को मार देता है ना? नहीं, निजाम इधर नहीं मरता मेरे ख्याल से। तो ये जो है निजाम को कैसे कंट्रोल में लाता है, कैसे उसको धमकाता है। असल में इनके साथ जो आर्मी होते हैं ना 10,000 की, लेकिन वो बता देते हैं कि 40,000 पीछे खड़ी है ये, मतलब वो डर जाता है कि वाकई मतलब हमारे कंट्रोल में। तो जो है फिर जो है वो कह रहे हैं कि जब हम दिल्ली पे
मतलब चढ़ाई करेंगे तब आप खामोश हो गए, तो वो दमका जाता है, डर जाता है। तो ये होता है कि सैनिक सोच, सोच एक सोच है। एक मतलब जो बड़ा होता है आर्मी का या सोल्जर्स का, क्योंकि हर फाइट जो है उस तलवार से नहीं जीती जाती है, तो है ही कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो अपने प्लानिंग से ही आप जो है कुछ भी कर लेते हो ना। ये आके 10,000 की बजाय उसको 40,000 बता देते हैं, डरा देता है फिर वो जो पीछे हट जाता है। अच्छा ये तो वो अलग बात है, बाकी जिस तरह हम लोग पहले भी कहा है कि आजकल जो रणवीर सिंह जो भी मतलब ये ऑल टाइप मूवीज बनाता है उसमें सुपरहिट हो जाए, अभी जिस तरह वो डिलीवरी दे रहा डायलॉग इतना जबरदस्त दे रहा था, इतने तेजी से उतने क्लियर दे रहा था कि बंदा जो हैरान रह जाता है। मतलब ये जो डायलॉग बोल रहा था वो तो ठीक है, इसकी जो मतलब जो बोलता है बहुत ही अच्छा बोलता है, बहुत ऊपर से जब ये एक्टिंग कर रहा होता है ना, मतलब इनकी बॉडी जो होती है किस तरह मतलब जो बॉडी लैंग्वेज होती है जो मतलब बिल्कुल एकदम एंट्री कर गया ना उसके पास चला गया, तो ये एक अजीब मतलब ये होता है एक्टिंग का मतलब जो लोग मतलब अच्छा एक्टिंग बाकी अभी वो तो अलग बात है लोग मतलब तरह तरह के एक्टर्स एक्टिंग करते हैं वो, लेकिन वो इतने रियल नहीं दिखते हैं, रियलिस्टिक नहीं दिखते, ये इतना रियलिस्टिक दिखता है जो पानी में जब अंदर गया ना तो इसे पता चलता है कि यार ये देखो बिल्कुल रियल लग रहा है, वो पहले ही जब आ गए खूबसूरत अंदाज से डिलीवरी वगैरह दे रहा था कि बंदा जो हैरान रह जाए किस तरह डिलीवरी। इस वजह से तो रणवीर जो है इनके साथ ये मूवीज सारे सूटेबल है, मतलब सूट करते हैं इस तरह की मूवीज, तो इसी वजह से इतना फेमस हो गया। इनकी जो मूवीज पद्मावत रिलीज होगी, बाजीराव रिलीज होगी, वो दस्तरी मस्तानी रिलीज होगी, एकदम से जो है रणवीर सिंह ऑन टॉप हो गया। और इस तरह की मूवीज जो भी डायरेक्टर बनाए कि मुझे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी हो मतलब रणवीर सिंह को ही लेना चाहिए। बराबर अक्षय कुमार भी है, अजय भी ठीक है, अक्षय कुमार तो नहीं, अक्षय कुमार वो भी मतलब अजय वगैरह हो या थोड़े ओल्ड टाइप वाले हीरोज अच्छे लगते हैं इस मूवीज के साथ, लाइक सलमान खान वगैरह, शाहरुख खान तो नहीं बनाता है, सलमान खान भी वीर मूवी थी उसमें कितना जबरदस्त दिखता है, मतलब वो फेस लुक उसके साथ रिजेंबल करती है, सेम लगती है। बाकी तो रणवीर आजकल जो भी मूवीज बनाई है सारे सुपर डुपर बहुत ज्यादा हिट हुई है, तो बहुत ही अच्छा सीन था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद है आप सब लोग भी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल अफगान रिएक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले आप लोगों के सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।